आज है दसवीं, दसवीं नहीं है, एकादशी है एक तरह से। तो कल शनिवार था, शनिवार के दिन दुर्गा माँ का विसर्जन नहीं हुआ, आज हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं सिंदूर पहराने। तो ये देखिए, ये देखिए, फिर फूल वगैरह सब लिए हैं, मिठाई अगरबत्ती। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए हम लोग मंदिर आ चुके हैं। ये है दुर्गा माँ, आप लोगों को पता ही होगा ये दुर्गा माता रानी है, और साथ में है सरस्वती माता और कार्तिकेय देवता, उसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी मूर्ति है। इस टाइम का मौसम बहुत मस्त होता है, अच्छा लग रहा है, ना ठंडा है ना गर्मी है। क्योंकि मैं जा रही हूँ, ये दो तीन लोग लगा लिए हैं। तो मैं जब मैं बेंच पर चढ़ने से डर रही थी, क्योंकि मैं तो इतनी मोटी लंबी चौड़ी, कहीं गिर ना जाऊँ, बस इस चीज़ का डर था। हम बोले कि हम तो नीचे से ही लगा लेंगे मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत लंबी हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पहुँचा। हम बोले कि चलो यार, अब बेंच पर उठना ही पड़ेगा। अब बेंच पर उठने का डर लगता है। तो ये जो मेरे साथ है ये भी कम नहीं है, मेरी जैसी है, लंबी मोटी चोरी है। तो पहले बोले तुम ही लगा लो, उसके बाद मैं जाऊंगी, नहीं तो दोनों जन एक साथ में जाएंगे तो दोनों धबाक से गिरेंगे, चोट भी लगेगा और इंसल्ट भी होगा। तो वो लगा कर चली गई। तो फिर मैं यहाँ पे आई। ये देखिए, ये है पान का पत्ता। तो यहाँ पे तीन बार पान के पत्ता से ये फेस को ये किया जाता है, उतारा जाता है, मतलब आरती की तरफ पे। उसके बाद हम ये इनको बोले, दीदी आप बताते रहिए, मैं करती रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में ये नहीं होता है ना, तो उतना नॉलेज नहीं है, बट कोई नहीं, सीखने से क्या नहीं होता, सब संभव है। तो पान का ये किए, फिर उसे धान और दुब्बा चढ़ाएँ माता रानी को पैर पे, उसके बाद से सिंदूर लगाएं। तो ये देखिए सबको लगाएं। उसके बाद अगरबत्ती दिखाएं, मिठाई खिलाई, मिठाई में संदेश है और बुंदिया है, दो चीज़ लिए थे, बुंदिया भी ले लिए हैं। और संदेश पहले से था, मेरे घर पे आया हुआ था मॉर्निंग में पूजा करने के लिए, तो उसी में से मैंने दो पीस रख लिया था माता रानी के लिए कि चढ़ाना है।
फिर यहाँ पर हमने उनका आशीर्वाद लिया और ये थोड़ा सा जो उनका माला है वहाँ से 2 महीने फूल ले लिया, क्योंकि बच्चे लोगों को बुक है ना, बुक में रखने के लिए, और बोलता है लोग दुर्गा माँ का आशीर्वाद आता है सरस्वती माता का, तो बस माला में से दो फूल लेकर आ गए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आए। आशीर्वाद से बड़ा और कुछ है नहीं है, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ये देखिए, ये है कार्तिक देवते, जो कि हम उनका भी फिर से ये किया सेम जैसे वहाँ पे किए वैसे ही यहाँ पे भी किए, पान से ये किए, उसके बाद मिष्टी खिलाए, उसके बाद दुभा ये बंगल के और पान का पत्ता से और पानी पिलाए, मिठाई खिलाई। दीदी मेरी बोल रही है। अरे ये है लक्ष्मी जी, नहीं सरस्वती जी, कार्तिक देवता का बोल सरस्वती जी। नीचे देखिए क्या बोलते हैं इनको, हंस पे सवार होके सरस्वती मैया वही है। तो यहाँ पे सेम ये चारों देवता को इधर नीचे में सिंदूर का टीका लगाए, दुर्गा माँ को भी सरस्वती जी को भी सेम किया। काफी भीड़ हो जाता है ना आज के दिन। ये मैंने छोटा सा लोटा लिया है पानी पिलाने के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत है। सब लोग नहीं लेते, एक आधा लोग पानी पिलाता है ना, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब खाना खिला रहे हैं तो पानी भी तो देना चाहिए। फिर मैंने पानी ले लिया, क्योंकि मोटोकड़ी हुआ कैसे मेरा पेट दिख रहा है, बट कोई नहीं चलता है। और मैं 9 दिन का नवरात्रि की थी, तो सोचा कि शायद मैं पतली हो जाऊंगी, लेकिन ये क्या 9 दिन नवरात्रि किया उपवास रहा, लेकिन मैं पतली नहीं हो पाई यार, मतलब मोटी हूँ। मोटापा जाने का नाम ही नहीं लेता, क्या कहें। यहाँ पे सब लोग लगा दिए, उसके बाद एक दूसरे को अब यहाँ पे लगा रहे हैं सिंदूर और आशीर्वाद तो मात्रा निकल लिए सब देवता को। उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, मीठा खिलाया जाता है। मेरे कान का एकदम सेम पहना, कैसा लग रहा है मेरा फेस, फेस क्या लगेगा, बस सूरत हूँ तो बस सूरत ही लगूंगे, बट कोई नहीं चलता है। ये रहा थोड़ी सी पिक्चर, ये मेरा फैमिली बच्चों लोगों के साथ गई हूँ, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे यहाँ का, ये भी अच्छा लग रहा है।